हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ वर्क। क्लियर? तो बच्चों, वर्क आपके पास बेसिकली तीन तरह का वर्क डन होता है आपके पास, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपके पास पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपके पास जीरो वर्क डन, ठीक है। और जो लास्ट में बच्चों आपके पास क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन। क्लियर? सो बच्चों, ये फोर्स का साइन कहाँ से डिसाइड हुआ, हमें अच्छे से पता है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। और बच्चों, कोस की वैल्यू 90 डिग्री से जब कम होता है एंगल, ठीक है, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव। क्लियर? और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, जीरो, यानी एंगल की वैल्यू जीरो, सॉरी कॉस थीटा जीरो। और जब थीटा जो है वो 90 से बड़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। तो कोस के साइन से ही वर्क डन का साइन डिसाइड होगा, ठीक है। तो यानी आपके पास बच्चों तीन कंडीशंस आ गई यहाँ पर। सबसे पहले है कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो मैं कहूँगा कि पॉजिटिव वर्क है, अगर एंगल 90 डिग्री है तो जीरो है, ठीक है, और एंगल अगर 90 से बड़ा है तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। ओके, तो एंगल ही डिसाइड करेगा कि आपका वर्क डन क्या होगा। ओके, और ये एंगल बच्चों किस किस के बीच में था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास ये ब्लॉक है 5 kg का, मैंने इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, ठीक है, और इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किया, 5 मीटर। एंगल हम 60 मान लेते हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। ओके, तो बच्चों आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आएगा, एफ एस कोस 60। कोस 60 की वैल्यू होती है बच्चों +1/2, यानी ये 1/2 आ गया आपके पास। डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 गिवन है, ठीक है, और फोर्स दिया हुआ है बच्चों 50। तो बच्चों आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, दैट इज 125 जूल। सो दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन आया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अगेन इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब हम जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों जीरो वर्क डन में कई सारी कंडीशन हो सकती हैं। जैसे मान लो आप ए से बी तक गए और बी से ए वापस आ गए, तो आपका जो पूरा पाथ है ए से बी, बी से ए, जो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपके डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये पहली तो कंडीशन होगी। दूसरा है कि कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो, यानी थीटा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। और ये कब हो सकता है, ये एक ही केस में हो सकता है बच्चों, वो ये है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास एक कुली है, कुली ने एक बैग उठा रखा है, ठीक है, तो कुली जो है इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, और लेकिन कुली क्या करता है, बैग को सपोर्ट करने के लिए फोर्स कहां की तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि बैग का वेट कहां लगेगा, नीचे की तरफ। तो जो अप्लाइड फोर्स है बैग पर और जो डिस्प्लेसमेंट है बैग की, उसमें एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में यहां पर वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन बैग इज जीरो, ठीक है। बैग को उठाने में तो वर्क डन हुआ है बच्चों, मतलब अगर वो बैग को ऊपर की तरफ उठाएगा तो फोर्स तो ऊपर लगाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगी, तब तो वर्क हुआ है। लेकिन जब वो उसको लेके चल रहा है तब भी फोर्स वो ऊपर लगा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो एंगल बच्चों यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां पर मैं कहूंगा कि कुली उस बैग पर कोई वर्क नहीं कर रहा, ठीक है,
एक और एग्जांपल है बच्चों, वो है कि किसी भी चीज को जब सर्कुलर पाथ में हम रोटेट करते हैं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ की तरफ लगता है? अंदर की तरफ। आप सबको याद होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मूव करते हैं तो एंगल हमेशा यहाँ पर कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से होगी और यहाँ पर भी एंगल 90 होगा, हर पॉइंट पर सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स, आपको याद होगा व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, किसी भी चीज को एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से सर्कुलेट करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये आ गया बच्चों आपके पास, हम लिख सकते हैं यहां पर वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। ओके, तो बच्चों बहुत ही आसान है इसको समझना। ठीक है, ओके बच्चों, हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन बच्चों, ओ इसमें बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। मान लो अगर मैं कुछ इस तरह से फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो सॉरी, मान लो डिस्प्लेसमेंट जो वो इस तरह से हो रही है, ये आपके पास एक एम्बलोक है और ये आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों फ्रिक्शन तो इसे पीछे की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है ना, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन आ गई, हमेशा अपोज करता है। तो यहाँ पर जो एंगल है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फ्रिक्शन ऐसे है, तो एंगल बच्चों कितना हो गया? 180 डिग्री। और कोस 180 बच्चों कितना होता है? -1। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों यहाँ पर? दैट इज एफ एस कोस 180, यानी -FS। तो ये बच्चों नेगेटिव वर्क डन आ गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होगा, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि वर्क डन जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन करता है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा। क्लियर? तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, तो हमारे पास ये वर्क का कंसेप्ट था कुछ। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर?